दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिवाली की रात चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 40 वर्षीय आकाश शर्मा अपने भतीजे ऋषभ के साथ घर के बाहर गली में पटाखे जला रहा था, तभी हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। इसमें से एक आकाश शर्मा के पैर छूता है और दूसरा वहीं खड़ा रहता है। कुछ सेकंड के बाद जैसे ही आकाश पटाखे को आग लगाकर घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, वैसे ही शूटर पीछे से उसे गोली मार देता है। इस दौरान आकाश के अलावा उसका बेटा भी घायल हो जाता है। वहीं जब उसका भतीजा ऋषभ हमलावरों का पीछा करता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। हमलावर करीब 5 राउंड फायरिंग करते हैं, इससे आकाश शर्मा और उनके भतीजे ऋषभ की मौत हो जाती है। वहीं शर्मा का बेटा क्रश घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की घटना में एक आरोपी को पकड़ लिया है। फायरिंग के वक्त वह स्कूटी पर बैठा था और 16 साल नाबालिग है। वही इस घटना का मास्टरमाइंड है, जिसने करीब 17 दिन पहले हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी नाबालिग ने ही शूटर को हायर किया था। वो पिछले 2-3 दिन से आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे। स्कूटी पर बैठा नाबालिग ने ही शूटर को आकाश पर गोली चलाने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक आकाश को कुछ पैसे उधार दिए गए थे, जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था। इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। जांच के दौरान पता चला है कि आकाश पर भी पहले केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं नाबालिग लड़के पर भी आपराधिक केस है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस गोलीबारी में आकाश और भतीजा ऋषभ की मौत हो जाती है। हमलावरों ने घर के द्वार पर ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो इस वारदात में हमलावरों ने कॉन्ट्रैक्टर किलिंग का सहारा लिया था। आकाश को गोली मारने के बाद एक गोली उनके बेटे क्रिश को भी लगी, जो घर के अंदर था। फिर हमलावर बाहर को आया तो गोली की तरफ भागते हुए आकाश के भतीजे ऋषभ ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी गई। अगर ऋषभ उनके पीछे नहीं जाता तो शायद वो बच जाता। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने घर के 4 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हासिल किया है। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी लेकर गए हैं। इस घर के बाहर पहले से ही कई सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी हलचल का पता लगा सके। पुलिस को आशंका है कि रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ स्टेट MPCG। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।